दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। आज की पहली खबर में देखिए, बिहार में छठ महापर्व की धूम। सिमरिया धाम पर दो दिन में 15 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। जी हां देखिए, बिहार में छठ महापर्व शुरू हो गया है। सूर्य ग्रहण के बाद आदि कुंभ स्थली सिमरिया धाम के गंगा घाट तट पर पिछले दो दिनों के भीतर 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। वहीं देखिए, बेगूसराय जिले में स्थित सिमरिया गंगा घाट पर मंगलवार दोपहर बाद से गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ना शुरू हुआ, जो कि गुरुवार दोपहर बाद तक बना रहा। साथ ही आपको बता दें कि सिमरिया घाट में लगभग 4 किलोमीटर लंबे गंगा घाट पर सभी प्रमुख स्नान घाट भरे हुए हैं। लगातार श्रद्धालु यहां डुबकी लगा रहे हैं। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में गुलाबी ठंड के दस्तक, शाम होते ही गिरने लगा है तापमान। यह देखिए बड़ी खबर, बिहार में मौसम ने अपना मिजाज अब बदलना शुरू कर दिया है। दिवाली संपन्न होते ही अब गुलाबी ठंड ने भी दस्तक दे दी है। वहीं छठ पर्व तक मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, इसका जानकारी भी अब पूर्वानुमान के रूप में सामने आ गई है। वही देखिये, मानसून की विदाई पूरी तरह से हो गई है। वही बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान का असर दिवाली के दिन भी बिहार के कई हिस्सों में दिखा और तेज हवा व हल्की बारिश हुई, लेकिन अब लोग ठंड का स्वागत करने के लिए तैयार है। वही देखिये, मौसम ने अब तेजी से करवट लेने शुरू कर दी है। तापमान में गिरावट का दौर भी शुरू हो गया है। पटना समेत प्रदेश भर में पछवा व उत्तर पछवा का प्रभाव बनने लगा है। साथ ही देखिए, मौसम विभाग की ओर से यह पूर्वानुमान जारी किया गया है कि अब छठ पर्व के दौरान हल्की ठंड का एहसास किया जा सकेगा। बता दें कि मौसम के मिजाज अब बदला तो लोग पतले चादर व कंबल निकालना शुरू कर दिए हैं। वहीं देखिए, दिन में धूप के कारण ठंड का एहसास नहीं होता है, लेकिन देर शाम से तापमान में गिरावट शुरू हो जाती है। बड़ी खबर में देखिए, छठ की भीड़ से बिहार में कोरोना का खतरा। रेलवे स्टेशन पर शुरू हुई कोरोना जांच, दक्षिण भारत से आने वालों पर विशेष नजर। जी बड़ी खबर में देखिए, राजधानी पटना में डेंगू कहर बरपा रहा है। बीते 10 दिनों में बिहार में डेंगू के 6 मरीजों की मौत हो गई है। इसी बीच पटना में कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रॉन के संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। वह देखिए, छठ महापर्व पर बिहार में काफी संख्या में लोग आ रहे हैं। ऐसे में कल से पटना जंक्शन और दानापुर स्टेशन पर यात्रियों की कोरोना जांच शुरू कर दी गई है। वह देखिए, दक्षिण भारत से आने वाले लोग पर विशेष नजर रखा जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुरुवार से पटना जंक्शन और दानापुर जंक्शन पर कोविड जांच टीम की तैनाती की गई है। इस संबंध में बुधवार को आदेश जारी किया गया था। जांच टीम के सदस्य महाराष्ट्र, पंजाब, दक्षिण भारत से आने वाले लोगों की कोरोना जांच करेंगे। लेकिन देखिए, पटना जंक्शन पर मौजूद कोविड जांच की टीम ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जांच करवाना नहीं चाह रहा है। सुबह से अब तक सिर्फ 2 लोगों ने ही कोरोना जांच करवाया है। उन्होंने आगे कहा कि लोग बोल रहे हैं कि अब कोरोना कहाँ है जो हम जाँच लोग करवाएंगे। बड़ी खबर में देखिए, मोकामा गोपालगंज उपचुनाव में प्रचार नहीं करेंगे नीतीश कुमार, 27 के जनसभा और रोड शो रद्द। जी देखिए, बिहार में 2 विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है। दोनों सीटों पर गोपालगंज और मोकामा पर एक ही दिन 3 नवंबर को वोटिंग होनी है। 2020 में हुए चुनाव में 1 सीट भाजपा के पास थी और 1 राजद के पास, लेकिन 2022 में हो रहे उपचुनाव और तब के हालात में बड़ा परिवर्तन भाजपा के सत्ता से बेदखल होने की है। दोनों सीटों का ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो राजनीतिक हलकों में सत्ता पक्ष के लिए मोकामा में जीत का चांसेस अधिक है। इसके जो सीएम नीतीश मोकामा नहीं जा रहे हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मोकामा आए और चुनाव प्रचार भी किया। दोनों सीटों पर उम्मीदवार राजद के ही है, लेकिन मोकामा और गोपालगंज को लेकर जदयू खास उत्साहित नहीं है। इस कारण बिहार की राजनीति में अलग ही चर्चा शुरू हो रही है। वहीं देखिए, आपको बता दें कि मोकामा में सीएम नीतीश कुमार के चुनाव प्रचार का शेड्यूल नहीं तय हुआ है। हालांकि 27 अक्टूबर को सीएम नीतीश मोकामा जाना था, वहां उनको जनसभा के दौरान रोड शो भी करना था, लेकिन ऐन मौके पर यह चुनाव प्रचार को रद्द कर दिया गया। मिली सूचना के मुताबिक कब नीतीश कुमार न ही गोपालगंज जाएंगे और न ही मोकामा जाएंगे। पहले चर्चा थी कि नीतीश कुमार कल यानी 27 तारीख को गुरुवार यानी तेजस्वी के साथ मोकामा में जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन यह कार्यक्रम फाइनल नहीं हो पाया है। देखिए, नीतीश कुमार ने इसका कारण स्वास्थ्य को लेकर बताया है। पिछले दिनों नीतीश कुमार के पेट में चोट आई थी, उन्हें हेलीकॉप्टर के बेल्ट को पहनने में दिक्कत हो सकती है। ऐसे में वह मोकामा या फिर गोपालगंज नहीं जाना चाहते हैं। तो वहीं देखिए, बड़ी खबर, नीतीश के बाद अब तेजस्वी ने मोकामा जाने से किया इनकार, नीलम देवी के लिए नहीं करेंगे चुनाव प्रचार। जी देखिए, मोकामा और गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव का प्रचार जारी है। पेट और पैर में चोट लगने के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिलहाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाएंगे। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अभी तो हमको चोट लगी हुई है। तो वहीं देखिए, दिल्ली से पटना लौटने के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव एयरपोर्ट पर मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। इस दौरान भी उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चोट लगी है, यह बात सभी को पता है। खुद उनसे
हमारी बात हुई है। वहीं देखिए तेजस्वी ने कहा कि फिजिकली जो चोट मुख्यमंत्री जी को लगी है उसका भी ध्यान रखना है। हालांकि तेजस्वी ने बताया कि आज शुक्रवार को गोपालगंज जा रहे हैं, जहां वे अपने उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार करेंगे और लोगों से मतदान करने की अपील करेंगे। वार्ड में देखिए बिहार में आज से नहाय खाए के साथ शुरू होगा छठ महापर्व। पटना जिला प्रशासन ने पूरी की तैयारी। यह देखिए लोक आस्था का महापर्व का नहाय खाए आज यानी 28 नवंबर को है। वही देखिए नहाय खाए के साथ ही 4 दिवसीय महापर्व छठ की शुरुआत हो रही है। 30 नवंबर को अस्त चल गामी और 31 नवंबर को उदय गामी भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाएगा। इसे लेकर पटना जिला प्रशासन ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली है। वही आपको बता दें कि भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ छठ घाटों पर उमड़ती है। छठ व्रतियों में ज्यादातर महिलाएं होती है। गंगा नदी में विभिन्न घाटों पर भी अपने परिवारों के सदस्यों के साथ अर्घ देने आती है। नहाय खाए के दिन से ही गंगा नदी में छठ व्रतियों का स्नान करना और गंगा नदी से जल लेना जाना शुरू हो जाता है, जिस कारण छठ घाटों पर भारी भीड़ उमड़ती है। बाड़ीघर में देखिए बिहार के गांवों में छठ के बाद लगेगी सोलर स्ट्रीट लाइटें। यह देखिए छठ पूजा के बाद गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगनी शुरू हो जाएगी। किस एजेंसी को कौन से प्रखंड में स्ट्रीट लाइट लगानी है इसका निर्धारण जिलों की ओर से कर दिया गया है। वही देखिए प्रखंड आवंटन के बाद अब जिला पंचायती राज पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि संबंधित एजेंसी से एकरनामा करके प्रक्रिया तेज करे ताकि स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य शुरू हो सके। वही देखिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के अंतर्गत संबंधित एजेंसी और जिला के पंचायत राज पदाधिकारी के बीच एकरनामा होना है। इसको लेकर पंचायती राज विभाग ने जिलों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि सभी प्रखंडों में लाइट लगाने के लिए एजेंसी तय हो गई है। साथ ही देखिए आपको बता दें कि 10-10 लाइट प्रत्येक वार्ड में लगाई जाएगी। वहीं 2 वर्षों में सभी वार्डों में लाइट लगाने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। वहीं देखिए 5 वर्षों तक रखरखाव का जिम्मा एजेंसी को दिया गया है। बाड़ीघर में देखिए छठ घाट को लेकर पटना में 600 मजिस्ट्रेट और 35 जवान रहेंगे तैनात। यह देखिए छठ को लेकर गंगा नदी घाटों व चिन्हित तालाबों पर लगभग 600 मजिस्ट्रेट और 3000 से अधिक पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मी की तैनाती की जाएगी। वही देखिए इनकी तैनाती 23 अक्टूबर को होगी। खतरनाक घाट संपर्क पथ वॉच टावर मेडिकल कैंप रिवर पेट्रोलिंग के अलावा शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर भी पदाधिकारी व जवान तैनात किए जाएंगे। वही देखिए डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि छठ महापर्व को देखते हुए गंगा के किनारे सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। गांधी मैदान स्थित नियंत्रण कक्ष से निगरानी रखी जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम गंगा में 29, 30 और 31 अक्टूबर को भ्रमण करेगी। बाड़ीघर में देखिए जेडीयू के सांगठनिक चुनाव का ऐलान। इसी महीने होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव। यह देखिए बिहार की सियासत से निकलकर ताजा खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने सांगठनिक चुनाव की घोषणा कर दी है। आने वाले 13 नवंबर से जेडीयू के सांगठनिक चुनाव की शुरुआत होने जा रही है। वहीं देखिए नवंबर के महीने में ही जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव संपन्न करा लिया जाएगा, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव दिसंबर के महीने में करा लिया जाएगा। 10 और 11 दिसंबर को दिल्ली में जेडीयू का खुला अधिवेशन आयोजित होगा, जिसमें पार्टी के अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी। बाड़ीघर में देखिए बिहार सरकार के ग्राम परिवहन योजना में मिलेगी 50% सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन। जी हां देखिए बिहार सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कई योजनाएं चला रही है। ग्रामीण बेरोजगार लोगों के लिए सरकार ग्राम परिवहन योजना का क्रियान्वयन कर रही है। इस योजना के तहत ट्रांसपोर्ट साधन खरीदने पर 50% तक सब्सिडी भी उपलब्ध कराई जाती है। योजना का लाभ ओबीसी एससी और एसटी समाज के ग्रामीण बेरोजगार लोग उठा सकते हैं। वह देखिए योजना का उद्देश्य बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को स्वरोजगार के लिए सहायता प्रदान करना है। वहीं देखिए बिहार सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता के मूल शर्त के आवेदक बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों का रहने वाला हो और आवेदक की न्यूनतम उम्र 21 साल हो। साथ ही आवेदक किसी भी सरकारी में न हो और आवेदन से पहले कभी कमर्शियल वाहन न रखा हो। वहीं देखिए इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। विभाग के वेबसाइट transport.bihar.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर जा सकती है। बाड़ीघर में देखिए बिहार के इस घाट में होगा गंगा आरती का आयोजन। लगभग 10,000 दीप से जगमग होगा अदरी नदी छठ घाट। यह देखिए देव सूर्यकुंड तालाब व अदरी नदी छठ घाट पर आज यानी शुक्रवार को गंगा आरती आयोजन की जाएगी। 10,000 दीप से अदरी नदी छठ घाट जगमग होगा, जबकि देव सूर्यकुंड तालाब पर
51 सौ दीप जलाए जाएंगे, जिसकी तैयारी लगभग पूर्ण कर ली गई है। वहीं देखिए अदरी नदी छठ घाट पर गंगा आरती का आयोजन माँ गंगा आरती समिति परिवार द्वारा कराई जा रही है। वाराणसी से 11 विद्वान ब्राह्मणों को बुलाए गए हैं, जिनके द्वारा वैदिक मनोचरण के बीच गंगा आरती की जाएगी। बताते चले कि 2019 से अदरी नदी छठ घाट पर गंगा आरती की जा रही है। वहीं कोरोना के कारण 2 साल गंगा आरती नहीं की गई थी। खबर में देखिए बिहार में दिसंबर में आएगी हाई स्कूल की भर्ती, शिक्षक भर्ती नियमावली को नवंबर में ही मिलेगी मंजूरी। जी देखिए 7वें चरण में 2 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली के लिए नियमावली को नवंबर में कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी। शिक्षा विभाग द्वारा तैयार शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2022 के प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर की सहमति इस माह के अंत या नवंबर के प्रथम सप्ताह में मिल जाएगी। वहीं देखिए प्रारंभिक स्कूलों के पहले हाई स्कूलों में शिक्षकों की बहाली होगी। माना जा रहा है कि नवंबर के प्रथम सप्ताह तक कॉमर्स विषय के लिए एस्टेट के लिए बीएसबी से आवेदन लेने की शुरुआत होगी। वहीं देखिए दिसंबर तक कॉमर्स के एस्टेट रिजल्ट जारी होने की बात कही जा रही है। उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए 89,734 और माध्यमिक स्कूलों के लिए 44,193 पदों पर बहाली होनी है। बड़ी खबर में देखिए छठ पूजा में बदल जाएगी राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था, 30 से 31 अक्टूबर तक रूट प्लान देखकर ही घर से निकले। जहाँ देखिए 4 दिनों के छठ महापर्व की शुरुआत 28 अक्टूबर को नहाय खाय से हो रही है, वही 29 अक्टूबर को खरना है, इसके बाद 30 को शाम का और 31 अक्टूबर को सुबह का अर्घ दिया जाएगा। वही देखिए छठ महापर्व के दौरान पटना के गंगा घाट पर छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ेगी। ऐसे में गंगा घाट आने जाने के लिए दरमियान छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसे ध्यान में रखते हुए पटना जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस ने 2 दिनों का रूट प्लान तैयार किया है। जारी किए गए रूट प्लान के तहत राजधानी के लोगों को 2 दिनों के लिए बदले गए ट्रैफिक व्यवस्था के अनुसार ही चलना होगा। बदली हुई व्यवस्था पटना में 30 की दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक और 31 अक्टूबर के अहले सुबह 2 बजे से सुबह 8 बजे तक के लिए लागू रहेगी। वहीं 2 दिनों की बदली हुई ट्रैफिक व्यवस्था से आने जाने के लिए फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पेशेंट, डेथ बॉडी और छठ व्रतियों को लेकर जाने वाली गाड़ियों की पूरी तरह से छूट रहेगी। घर में देखिए 1 नवंबर से शुरू होगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पर्यटन सत्र, बारिश और आदमखोर बाघ के कारण सत्र शुरू होने में 15 दिन की हुई देरी। जहाँ देखिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी आगामी 1 नवंबर से शुरू होगा, इसके साथ ही पर्यटन सत्र भी शुरू हो जाएगा। इसके लिए बीटीआर प्रशासन तैयारी शुरू कर दिया है। वहीं देखिए सफारी के लिए रास्ते को दुरुस्त किया जा रहा है, पर्यटक जंगल सफारी, ई रिक्शा, साइकिल, पाथवे समेत इको टूरिज्म का लाभ उठा सकेंगे, इसके लिए बीटीआर प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इस बार बारिश के साथ आदमखोर बाघ ने पर्यटन क्षेत्र दरी करने में भूमिका निभाई। 28 दिनों तक वन विभाग व बीटीआर प्रशासन बाघ के रेस्क्यू में लगा रहा, इस कारण भी जंगल सफारी वाले रास्ते को दुरुस्त नहीं किया जा सका। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।